वेलकम गाइज, जय कलोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जय कलोन जॉब चैनल को और पाते रहिए रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान आपका 25 तक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे इंपॉर्टेंट, और ये जो नेक्स्ट है ये 26 से स्टार्ट है, आपका पहला क्वेश्चन है। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बोल दिया करो, किसी पर भी डाउट हो, कोई भी न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। संघनन बहुलक के विषय में कौन सत्य नहीं है? सो गाइज, आपको बहुलक यानी कि पॉलीमर आपके रसायन विज्ञान में जो चैप्टर है पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बहुलक से पॉलीमर से। सो थोड़ा सा उसको देख लेना, उसमें जितने भी क्लासिफिकेशन है, जितने भी टाइप्स है, जितने भी यूजेज हैं, उन सबको थोड़ा सा देख लेना, क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से, बन सकता है क्या बनेगा। संघनन बहुलक के विषय में कौन सत्य नहीं है? तो अगर आपको संघनन बहुलक के बारे में थोड़ा बहुत भी पता होगा तो इसको आप कर सकते हो। सत्य नहीं है यानी कि आपको सत्य बातें पता होगी तभी तो आप सत्य नहीं है कह पाओगे। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट कंसिडेशन पॉलीमराइजेशन? ऑप्शन फर्स्ट, प्रत्येक चरण का उत्पाद पुनः एक दी कार्यात्मक प्रजाति होता है। बहुसंघनन अभिक्रिया कुछ साधारण अणुओं की हानि का परिणाम हो सकता है, जैसे जल एल्कोहल। संघनन बहुलक निम्न आणविक द्रव्यमान बहुलक के निर्माण का कारण होते हैं। बहुलक में सामान्यतः दो डी कार्बन एकलक के बीच पुनरावर्ती संघनन अभिक्रिया अंतर्निहित होती है। बताओ। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कि संघनन बहुलकन निम्न आणविक द्रव्यमान बहुलक के निर्माण का कारण होते हैं। संघनन जो बहुलक है आपका निम्न आणविक द्रव्यमान बहुलक निर्माण का कारण होता है। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 का द्रव्यमान क्या होगा जिसमें 28.4 ग्राम क्लोरीन निहित है, 54 मिलीग्राम, या फिर आपका देखो यहाँ पर दिया हुआ है मिलीग्राम और यहाँ पर दिया हुआ है ग्राम, ठीक है, 44, 67.5 ग्राम, 27 ग्राम। इसका राइट ऑप्शन है आपका 54 ग्राम। नेक्स्ट, पॉलीपॉस्फेट जल मर्दुकरण अभिकर्ता के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? वायर पॉलीपॉस्फेट यूज और वाटर सपेंड एजेंट, क्योंकि वह ऋणायनी प्रजातियों के साथ विलेय समृद्ध बनाते हैं, क्योंकि वह ऋणायनी प्रजातियों के साथ विलेय समृद्ध बनाते हैं, क्योंकि वह ऋणायनी प्रजाति अवक्षेपित करते हैं, क्योंकि वे ऋणायनी प्रजाति अवक्षेपित करते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्योंकि वे ऋणायनी प्रजातियों के साथ विलेय समृद्ध बनाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ऋणायनी प्रजातियों के साथ। अगला क्वेश्चन, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया यहाँ पर दे रखिए में तापमान टीके पर साम्यवस्था प्राप्त होती है, निर्मित एस की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? एस के आंशिक दबाव को बढ़ाकर, प्रणाली पर कुछ दबाव को बढ़ाकर, प्रणाली पर कुछ दबाव को घटाकर, सभी गैसों के आंशिक दबाव को घटाकर। करेक्ट ऑप्शन इज प्रणाली पर कुछ दबाव को बढ़ाकर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो आपका क्वेश्चन, वीआर माइनस आयन के साथ Mn2+ एक सम्मिश्रण का निर्माण करता है, सम्मिश्रण का चुंबकीय गुण 5.92 Vm है, सम्मिश्र का विभाजन सूत्र एवं ज्यामिति है, पिरामिड नुमा त्रिकोण, वर्ग समतलीय, चतुष्फलीय, अष्टफलीय, सबके लिए देर का है यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके, आकार आपसे पूछा जाता है गाइस। आकार हमने आपको बताया भी था कि आकार को किस प्रकार से आपको याद रखना है। इसका राइट ऑप्शन है Mn(BR4)-2- चतुष्फलकीय, चतुष्फल किया जाएगा इनसे, ठीक है, ऑप्शन थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए
समान उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन विनिमय संभव है? निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए समान उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन विनिमय संभव है? यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ऑप्शन दे रखे चार, इनमें से आपको बताना है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 6, 10। अगला क्वेश्चन, 20% WW वाले जलेबिलियन एक्स जिसका आणविक भार 50 है के ग्राम अणुता इसके बराबर है, 2 मोल, 5 मोल, 4 मोल, 2.5 मोल। राइट ऑप्शन इच 5.0 मोल। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते इसको। एक पलक केंद्रिक घनीय जालक प्रमाण में एक गन के कोनों पर एक बीकन के पल को स्थान लेते हैं, यदि कोई एक बी प्लग केंद्र से गायब है तो योगी का सूत्र A2B5, A2B, A2B3, AB2। राइट ऑप्शन इज A2B5। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उपजातियों को उनके आकार के अनुसार घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, घटते क्रम में। अरेंज इन द फ्लोविंग स्पीसीज इन डिक्रीज ऑर्डर ऑफ देयर साइज। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, सोडियम एथोक्साइड 2-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन के साथ अभिक्रिया करती है, निर्मित होने वाला मुख्य उत्पाद है, 2-ethoxyprop-1-in, 2-ethyl-prop-2-in, 2-methyl-2-ethoxypropene, 2-methyl-prop-1-in। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2-methyl-prop-1-in। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें परमाणु कक्षक है जिनमें हुंड के नियम और पावली के अपरमार्जक सिद्धांत दोनों का उल्लंघन हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 11th रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, याद है कुछ, ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन है। नियम पता होगा पावली के तो आपको पता होगा हुंड के कि क्या कहता है, किस उल्लंघन आपको याद रखना है। एल्कोहल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्राथमिक एल्कोहल के साथ अम्लीय डाइक्रोमेट के ऑक्सीकरण द्वारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम क्वथनांक वाला एथिल एल्डिहाइड तैयार किया जा सकता है। अम्लीय KMnO4 के साथ प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा कोई एल्डिहाइड तैयार नहीं किया जा सकता है। तृतीय एल्कोहल को ऑक्सीकृत किया ही नहीं जा सकता। PCC के साथ द्वितीय एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है जिसमें कम संख्या वाले कार्बन प्रमाण होते हैं। बताओ यह इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, आप चूज करोगे तो बेस्ट रहेगा ना। पहले, विच ऑफ द फ्लोविंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग एल्कोहल? राइट ऑप्शन इच प्राथमिक एल्कोहल के साथ अम्लीय डाइक्रोमेट के ऑक्सीकरण के द्वारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम क्वथनांक वाला एल्डिहाइड तैयार किया जा सकता है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया अपचयपचयक अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया को निर्भित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका HBr, HCl, Br2, SO2, ठीक है। कीटोन समूह के साथ फ्रेक्टोज भी टोलन के अभिक्रमों को अपचित कर देता है, यह कथन इस गुण को तरंग संगत बनाता है। सार की उपस्थिति में फ्रक्टोज चलायन से होकर गुजरता है, सार की उपस्थिति में फ्रक्टोज उत्क्रमण में हवन से होकर गुजरता है। एल्कोहल की उपस्थिति में फ्रक्टोज बी बीटा ग्लाइकोजेटिक लिंकेज का निर्माण, एल्कोहल की उपस्थिति में फ्रक्टोज अल्फा ग्लाइकोजेटिक लिंकेज का निर्माण करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, सार की उपस्थिति में फ्रक्टोज उत्क्रमण में हवन से होकर गुजरता है, सार की उपस्थिति में। अगला क्वेश्चन, पेयजल के एक नमूने को द्रव्यमान के आधार पर 30 ppm तक की, देखो आपका विलयन वाला चैप्टर रसायन विज्ञान में इंपॉर्टेंट है, 30 ppm तक की सीमा तक कैंसर से कार्मिक पदार्थ द्वारा बुरी तरह से दूषित पाया गया, आप इसे द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे? 13 × 10^6, 13 × 10^5, 3 ×
मल्टीप्लाई 10^-3 या फिर 3×10^-4%। न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आपका रफ पेज कच्चा काम करने के लिए आप रफ का यूज कर सकते हो, किसी पेज का यूज कर सकते हो। सो आपने कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3×10^-3%। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज एवं फ्रेक्टोज को के द्वारा वेद किया जा सकता है, ब्रोमिन जल, बेनेडिक्ट अभिवर्जक, टॉलन अभिक्रमक, फेलिंग अभिक्रमक। राइट ऑप्शन ब्रोमिन जल। परमाणु भार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, बिना प्रायोगिक परमाणु द्वारा गुणधर्म निर्धारित और सारणी को विकसित करने के लिए मेडलिप के सहयोग प्राप्त हुआ, रासायनिक सूत्र बनाने में मदद प्राप्त हुआ, सापेक्ष परमाणु शक्ति की जगह इसका प्रयोग यथार्थ रूप से व्यक्त किया। इसका चार ऑप्शन यहाँ दे रखे 2, 4, 2, 4। यहाँ पर जैसे आप देखें कि 2 हो सकता है कि 4 हो सकता है, 2 और 3, 1 और 3, 1 और 4। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 और 3। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन द्वारा हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण ईंधन सेल प्रौद्योगिकी में सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाले अभिक्रम में से एक है, H2O2H2O द्वारा निरूपित समग्र अभिक्रिया का एक डेल्टा जी का मान -470 किलो जूल मोल ईंधन में सेल के लिए मानक अभिक्रम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1.23 वोल्ट, 2.46 वोल्ट, 3.67 वोल्ट, 4.74 वोल्ट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1.23 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो एक छात्र ने कठोर और मृदु जल के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए एक जांच श्रृंखला का प्रदर्शन किया और उसने अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड किए, जैसे कि सारणी में दिया हुआ है। आप जानते हो ना, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही खराब होता है, हम आपको बता देते हैं। और हार्ड वाटर की पहचान क्या है, हार्ड वाटर की पहचान यही है कि जैसे कि आप अगर लॉन्ग टर्म तक ये एकत्रित रहता है या फिर यूज होता रहता है, जैसे कि आपने नलों पे देखा होगा काफ़ी सारा सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है और ये जहाँ पर गिर जाता है वहाँ पर भी सफ़ेद सफ़ेद छोड़ देता है, ये आपका हार्ड वाटर है। और इसे हेयर फॉल, काफ़ी सारे हेयर फॉल होते हैं, तभी तो आपने देखा होगा कि कोई भी स्टूडेंट हो गया या फिर कोई भी व्यक्ति हो गया जब गाँव से शहर की ओर जाता है तो हेयर फॉल होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर शहरों में ज़्यादा होता है, ठीक है, नदियों के पानी। तभी तो अगर आपको स्किन और बालों की केयर करनी है तो सॉफ्ट वाटर यूज करना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है मिश्रण और निर्मित जाग की मात्रा, जैसे कि कठोर जल प्लस साबुन, मृदु जल प्लस साबुन, कठोर जल अपरमार्जक, मृदु जल अपरमार्जक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम आपको बता देते हैं कि कठोर जल अच्छा जाग नहीं देता कभी भी, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है किस प्रदर्शन में उसने सबसे कम जाग किसमें आएंगे गाइस, बताओ, सबसे कम जाग कठोर जल साबुन में या फिर मृदु जल साबुन में या फिर कठोर जल अपरमार्जक में या फिर मृदु जल अपरमार्जक में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, RPS क्यों? राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस आपका P, यानी कि कठोर जल साबुन, क्योंकि साबुन कठोर जल के साथ जाग बहुत कम बनाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एक गैस से मिश्रण में पी एवं क्यू निहित है, यदि पी जी का वाष्पन घनत्व 6 गुना है एवं पी का अणुभार एम है तो अणुभार क्या होगा। देखो ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा। ऑप्शन आपके सामने हाजिर है चारों। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 0.167। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम धातु द्वारा निर्मित NaN क्या होगा, जब NaOH के साथ इसके अभिक्रिया की जाती है, वह अभिक्रिया के दौरान कौन सी गैस निर्मित होती है। ऑप्शन आपके सामने आ जाइए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका AlOH4H2। नेक्स्ट, दिए गए डेटा का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रजातियों की जलीय माध्यम में उसकी औपचारिक बढ़ाने के क्रम में व्यवस्थित करें। आपने
रसायन विज्ञान में थोड़ा सा वो देखा होगा विद्युत रसायन वाला, तो कुछ याद आ गया होगा। देखिए डेटा का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रजातियों की जलीय माध्यम में उनकी अपचय क्षमता को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं यूजिंग, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी या एफ ई टू प्लस एल। तो ये दिया हुआ है आपके ऑप्शन सेकेंड में। और जी के एम सी क्यू जेम के चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, जी के एम सी क्यू जेम के लिंक नीचे दिया हुआ है। दी गई अभिक्रिया दर्शाती है कि मेथेनॉल उभयद्रव में होता है, उदासीन होता है, स्वभाव में अम्लीय होता है, स्वभाव में सारी होता है, स्वभाव में अम्लीय होता है, याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन, दी गई अभिक्रिया, ठीक है, के लिए किसका मान यहाँ पर दिया हुआ है, तत्काल समय के लिए मिश्रण की रचना दिशा की प्रयुक्त करें, अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी, अभिक्रिया उल्टी दिशा में आगे बढ़ेगी, अभिक्रिया आगे की दिशा में बढ़ेगी, अभिक्रिया समयस्थम होगी। पहले क्वेश्चन को समझ लो, यहाँ पर कुछ अभिक्रिया आपके लिए दी गई है और कैसे का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तत्काल समय के मिश्रण की रचना यहाँ पर दिया हुआ है सब कुछ आपको। तो इसका राइट ऑप्शन सिंपल सी बात है कि अभिक्रिया उल्टी दिशा में आगे बढ़ेगी। और फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए ताकि वहाँ पर इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट लिंक आपको मिलता रहे। 581 केल्विन पर एच आई के अपघटन की सक्रियता सक्रियण ऊर्जा 209.5 किलो जूल ग्राउंड के बराबर होती है। यदि सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा वाले अणु का हंस लॉग एक्स है तब इसका मान बराबर होगा -23 -18.8। ईमानदार से बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। थोड़ा सा न्यूमेरिकल करके आप निकाल सकते हो, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके आप बता सकते हो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा -18.8 राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका।